क्लास पार्ट टू में स्वागत है आप लोगों का। तो आज मैं वीडियो पार्ट टू शूट कर रहा हूं, और इससे पहले मैंने क्लाउज का एक वीडियो अपलोड किया था, और ये आज का वीडियो पार्ट टू का वीडियो है, क्लाउज पार्ट टू। तो पार्ट वन में हम लोग क्या सीखे थे, है ना? पार्ट वन में हम लोग सीखे थे क्लाउज के बारे में, है ना? एक नंबर में हम लोग पार्ट वन वीडियो में जो बनाए थे सीखे थे क्लाउज के बारे में सीखे थे, और एक चीज सीखे थे हम लोग फिनाइट वर्ब क्या है उसी पार्ट वन में, फिनाइट वर्ब के बारे में। और उसमें एक बात और हम लोग लेकर के चले थे, नन फिनाइट वर्ब, नन फिनाइट वर्ब। तो इतना का चर्चा हम लोग पार्ट वन में ही कर चुके थे। यदि आप डायरेक्ट पार्ट टू देखिएगा तो उससे पहले जरूर जाकर के पार्ट वन देखिएगा, क्योंकि पार्ट वन की जो वीडियो है उसमें मैंने कुछ छोटी छोटी बात, इट मीन बेसिक का भी बात किया। तो क्लाउज क्या है, क्लाउज के बारे में भी बात किए थे, फिनाइट वर्ब किसे कहते हैं, फिनाइट वर्ब भी, और नन फिनाइट वर्ब किसे कहते हैं, नन फिनाइट वर्ब भी। पार्ट वन में ये सभी बातें हो चुका था। अब हम एक पार्ट वन में छोड़ दिए थे कि नन फिनाइट वर्ब में तीन रूप हैं। फिनाइट वर्ब में कोई रूप नहीं है, लेकिन नन फिनाइट वर्ब में तीन रूप है। तो आज मैं इस वीडियो में इसी तीन रूप के बारे में बताता हूं। तीन रूप कौन कौन से रूप हैं? तो सबसे पहले हेडिंग इसका क्या होना चाहिए, नन फिनाइट वर्ब। उसके बाद हम लोग रूप पे आ जाएंगे, है ना? एक नंबर में क्या होना चाहिए, इधर से नन फिनाइट वर्ब, नन फिनाइट वर्ब, ठीक है, नन फिनाइट वर्ब। तो नन फिनाइट वर्ब में तीन रूप जो हमको पढ़ना है, वह रूप कौन कौन सा रूप पढ़ना है, तो इसी तीन रूप के बारे में हम लोग डिटेल करते हैं। तो नंबर एक में, नंबर एक में आपको जो पढ़ना है इसमें, वो क्या पढ़ना है, फिनाइट वर्ब, सॉरी इन्फिनिटिव से लेते हैं हम लोग, है ना, इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव। नंबर एक में क्या पढ़ना है, इन्फिनिटिव। तो इन्फिनिटिव जो रहता है वो क्या लेकर के आता है, टू प्लस वी वन लेकर के आता है। क्या लेकर के आता है, टू प्लस भी वन। और दो नंबर में जो हम लोग को पढ़ना होता है वह क्या पढ़ना होता है, जेरंड पढ़ना होता है। क्या पढ़ते हैं, जेरंड। तो जेरंड क्या लेकर के आता है, बी फोर लेकर के आता है, ठीक है। आगे देखिए, तीन नंबर में जो हम लोग को पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, पार्टिसिपल, पार्टिसिपल, है ना, पार्टिसिपल। तो देखिए, पार्टिसिपल भी जो आता है वो क्या लेकर के आता है, वी फोर लेकर के आता है, पार्टिसिपल भी वी फोर लेकर के आता है। अब देखिए, पार्टिसिपल जो वी फोर लेकर के आता है, जेरंड वी फोर लेकर के आता है, और इन्फिनिटिव टू प्लस वी वन लेकर के आता है। तो हम लोग इसको समझेंगे कैसे कि इन्फिनिटिव है और टू प्लस वी वन लेकर के आया है। तो हम लोग समझने के लिए, इसके लिए थोड़ा सा एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। जैसे यदि आपको रहे क्या चीज, रहे टू रन, या फिर रहे क्या, रहे टू रीड, या तो फिर ऐसा रहे टू स्विम, है ना, तैरना, ठीक है, और नेक्स्ट रहे टू वॉक। तो ये देखने से वर्ड आपको यहां से यहां तक आपको पता चल गया कि ये कौन सा मोड में है, इन्फिनिटिव मोड में। कौन सा मोड में है, इन्फिनिटिव मोड में। तो इसी वर्ड से आप चाहे तो सेंटेंस भी बना सकते हैं। वह सेंटेंस क्या है, इसी टाइप का वर्ड आपके सेंटेंस में आ जाना चाहिए। जैसे नंबर एक, सेंटेंस जब आप इन्फिनिटिव का बनाइएगा तो सेंटेंस इन्फिनिटिव का बनाने के लिए टू प्लस भी वन केवल सो होना चाहिए, ठीक है। और कोई जरूरी नहीं है कि टू प्लस भी वन सब्जेक्ट बनकर के आ जाए,
या ऑब्जेक्ट बनकर के आ जाए, ये जो फॉर्म है कहीं भी आ सकता है। जैसे एग्जांपल में हम लोग देखते हैं सेंटेंस बना करके, नंबर सेंटेंस एक देखिए क्या हो गया, टू रीड इज गुड किसके लिए, फॉर अस, पढ़ना हम लोगों के लिए अच्छा है ना, टू रीड इज गुड फॉर अस। अब देखिए यहां पे जो इंफिनिटी वर्ड आया है तो शुरू में सब्जेक्ट के रूप में लाइक दिस शुरू में आया है, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि इंफिनिटिव शुरू में ही आएगा, आप अंत में भी क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं, दूसरा नंबर देखिए, आई लाइक टू गो देयर है ना। देखिए यहां पे कहां आ गया, बीच में आ गया है ना, आई लाइक टू गो देयर ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल देखिए इसी प्रकार से, टू वॉक क्या चीज देखिए, टू वॉक इज क्या चीज है, टहलना हम लोगों के लिए लाभदायक है, तो जाएगा टू वॉक इज यूजफुल, यूजफुल किसके लिए, फॉर अस के लिए, या तो फिर कुछ बदल दीजिए, फॉर किसके लिए, यू के लिए, टू वॉक इज यूजफुल फॉर यू। इस प्रकार से हम लोग टू को कहां लगाए, यहीं लगाए, तो इसी को देखने से हम लोग को पता चलता है कि यह सेंटेंस जो बना हुआ है इन्फिनिटिव से बना हुआ है ना, इन्फिनिटिव से बना हुआ है। अब देखिए दूसरा नंबर में आता है जेरंड, और ये जो हम तीन पॉइंट्स पढ़ रहे हैं वो किसके भाग है, वह किसके रूप है, नन फिनाइट वर्ब के रूप है। तो दूसरा नंबर में जेरंड आता है, तो जेरंड में भी आप वही कर सकते हैं, केवल वी फोर का शब्द आना चाहिए, बाकी आप वी फोर पहले भी ले सकते हैं या वी फोर बाद में भी ले सकते हैं। देखिए इसको हम शुरू में पहले ले लेते हैं, तो एग्जांपल इसका पहले वर्ड लीजिए फिर बाद में सेंटेंस बनाइएगा। वर्ड, तो वर्ड आप जब लीजिएगा तो वर्ड यहां पे हम लोग क्या ले लेते हैं, वॉकिंग है ना, वर्ड जिसे यहां पहले वर्ड लिए फिर सेंटेंस बनाए, यहां भी वर्ड लेते हैं फिर इधर सेंटेंस बना देंगे, कहता है वॉकिंग है ना, नंबर एक। नंबर दूसरा कुछ और ले लीजिए, क्या ले लीजिएगा, स्विमिंग, क्या चीज ले लीजिएगा, स्विमिंग। और तीसरा हम लोग फिर ले लेते हैं रीडिंग, तो ये जो बिफोर आया है ये जेरंड बनकर के आया है और ये वर्ड को शो कर रहा है। अब आपको क्या करना है, इसी रूप को केवल सेंटेंस बना देना है, तो वैसे सेंटेंस बनाइएगा जिसमें बिफोर आए। जैसे देखिए हम लोग लेते हैं नंबर एक में है ना, नंबर एक में क्या लिखते हैं, इस प्रकार से लिख देते हैं, वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, टहलना क्या है, एक अच्छा व्यायाम है, वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। देखिए और आप क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से कह सकते हैं, रीडिंग इज है ना गुड, पढ़ना क्या है, अच्छा है, किनके लिए, फॉर अस, हम लोगों के लिए, रीडिंग इज गुड फॉर अस। इसके अलावा आप और भी एग्जांपल इसी टाइप से बनाकर ले सकते हैं। एक चीज लेकिन समझिए, एक नंबर में भी बिफोर हम शुरू में लगाए, दो नंबर में भी बिफोर शुरू में लगाए, तो कोई जरूरी नहीं कि केवल सब्जेक्ट के रूप में आएगा, आप चाहे तो ऑब्जेक्ट के रूप में भी दे सकते हैं। देखिए एक एग्जांपल वैसा ले लीजिए, क्या ले लीजिएगा, हाँ तीन नंबर में, आई लाइक क्या करता हूं, आई लाइक रीडिंग। देखिए बिफोर अंत में आया ना, मतलब बिफोर सब्जेक्ट बन के आ जाए या ऑब्जेक्ट बनकर के आ जाए, इस प्रकार से आपके सेंटेंस को कंप्लीट कर देंगे। तो ये जो आ गया है ये कहां तक आ गया है, ये आपका बिफोर का है और ये जेरंड का है। अब एक चीज और बच रहा है, क्या बच रहा है ना, देखिए पार्टिसिपल, तो पार्टिसिपल भी बिफोर लेकर के आएगा, पार्टिसिपल भी किसको लेकर के आएगा, बिफोर, लेकिन इन्फिनिटिव केवल एक पढ़ना पड़ा, इसमें कोई रूप नहीं है, जेरंड
एक पढ़ना पड़ा, इसमें कोई रूप नहीं है, लेकिन पार्टिसिपल में रूप है। वह कौन कौन से रूप है? तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो सबसे पहले आपको तो इसका डिटेल करना होगा, है ना। इस प्रकार से लिखिएगा, नंबर एक में इसी का क्या हो जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल एक। दूसरा में आपको करना होगा पास्ट पार्टिसिपल, क्या करना होगा, पास्ट पार्टिसिपल, दुख हो गया ना। आइए तीसरा में आपको क्या करना होगा, हाँ परफेक्ट पार्टिसिपल, क्या करना होगा, परफेक्ट पार्टिसिपल। देखिए तीन हो गया है, नंबर एक प्रेजेंट पार्टिसिपल, नंबर दो पास्ट पार्टिसिपल, नंबर तीन परफेक्ट पार्टिसिपल। तो इसमें आपको क्या क्या रूप लेकर के आएगा? तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में आपका वी फॉर्म लेकर के आएगा एक, इसी टाइप का कोई एग्जांपल दे देंगे चल जाएगा। पास्ट पार्टिसिपल आपका वी थ्री लेकर के आएगा। तीसरा परफेक्ट पार्टिसिपल, ये थोड़ा सा अलग है, ये क्या लेकर के आता है हम यहां लिख देते हैं, नीचे शायद नहीं दिख रहा होगा, है ना। तो परफेक्ट पार्टिसिपल क्या लेकर के आएगा, यहां लिख देते हैं, हैविंग प्लस भी थ्री लेकर के आएगा, है ना। फिर समझिए, पार्टिसिपल जो है तीन हमको पढ़ना है, पार्टिसिपल में प्रेजेंट पार्टिसिपल भी फोर लेकर के आएगा और पास्ट पार्टिसिपल भी थ्री लेकर के आएगा और परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस भी थ्री लेकर के आएगा। ये दोनों तो हम लोग आसानी से समझ जाएंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, डिफिकल्ट इजी बनाने के लिए इसको हिंदी से हम लोग सजाएंगे ताकि वो भी आपके लिए इजी हो जाए, है ना। तो इसको हम लोग वन बाय वन हम लोग यहां से ओपन करेंगे। इसके लिए आपको ये ऊपर से क्या करते हैं, मिटाते हैं। देखिए इसको पहले मिटाते हैं और मिटाने के बाद तुरंत हम लोग इसी पार्टिसिपल को ऊपर से हम लोग वन बाय वन करके लेकर के आते हैं। ये क्या चीज शो करता है, पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, ये क्या क्या चीज को शो करता है, उसी चीज के बारे में हम लोग अभी तुरंत बात करते हैं। देखिए इसको भी मिटा देते हैं। आइए नंबर एक में, तो नंबर एक में हम लोग देखते हैं, सबसे पहले ऊपर हेडिंग दे देते हैं पार्टिसिपल का, है ना, पार्टिसिपल का हेडिंग दे देते हैं। देखिए ऊपर हेडिंग हम लोग दे दिए इस प्रकार से पार्टिसिपल। देखिए पार्टिसिपल आप कहता है कि इस पार्टिसिपल में हमको क्या पढ़ना होगा, तीन चीज पढ़ना होगा, भी फोर शो कर रहा है। तो तीन चीज में क्या क्या है, नंबर एक प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, नंबर दो पास्ट पार्टिसिपल, है ना, नंबर तीन परफेक्ट पार्टिसिपल। देखिए परफेक्ट पार्टिसिपल, है ना, परफेक्ट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल जो आपका है वी फोर शो करेगा, पास्ट पार्टिसिपल जो है वी थ्री शो करेगा और परफेक्ट पार्टिसिपल जो है ये थोड़ा सा कुछ चेंज शो करेगा, उसमें क्या हो जाएगा, हैविंग प्लस वी थ्री, है ना। ये आपको समझना होगा। तो हम लोग एक नंबर से ओपन करते हैं, किसको ओपन करते हैं पहले, प्रेजेंट पार्टिसिपल को। देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो हम लोग इसको जब ओपन किए प्रेजेंट पार्टिसिपल को, तो हमको तो वी फॉर्म को शो करना है, तो आप एग्जांपल में दे सकते हैं वही जो पिछले दिए थे, है ना। एग्जांपल में एक आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, रीडिंग, रीडिंग इज गुड, किसके लिए, फॉर अस के लिए। आप तो इसको एकदम इजी से शो कर गए, जैसे जेरंड में हम लोग देते थे वी फॉर को, तो आप यहां प्रेजेंट पार्टिसिपल को वी फॉर से शो कर दीजिए तुरंत, है ना, क्या कर दिए, वी फॉर से शो कर दिए। एक एग्जांपल मन करे तो आप उसको उधर भी दे सकते हैं। देखिए दूसरा एग्जांपल इसका कैसे आप लिख दीजिएगा, इसी प्रकार से पिछले जिसे हम लोग लिखे थे, क्या लिखे थे, आई लाइक सिंगिंग, क्या चीज करते हैं, मैं गाना पसंद करता हूं। तो शुरू में भी आप वी फॉर दे सकते हैं,
और बाद में भी आप बिफोर दे सकते हैं। ये तो आपका एग्जाम्पल हुआ किसका, प्रेजेंट पार्टिसिपल का। अब दो नंबर में आप आइए, किसको लेकर के, पास्ट पार्टिसिपल को लेकर के, है ना, किसको लेकर के आएंगे, पास्ट पार्टिसिपल को। आइए देखिए पार्टिसिपल, तो ये आपको क्या चीज को शो करने वाला है, V3 को, ठीक है। तो इसको भी एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, एग्जाम्पल नंबर एक देखिए, जब आप पास्ट पार्टिसिपल के बारे में कोई सेंटेंस को शो कीजिएगा तो आपको हर हाल में V3 शो करना होगा, क्योंकि पास्ट पार्टिसिपल ही V3 लेकर के आता है। वो V3 है क्या, हिंदी जिसे कहते हैं, हम लोग कहते हैं ना हिंदी में कि मैंने एक टूटी हुई कुर्सी खरीदी, तो टूटी हुई जो यहां पे आया है वह V3 बनकर के आया है, टूटा हुआ, टूटी हुई क्या बन के आया है, V3। अब इंग्लिश में जब एग्जाम्पल आप इसका दीजिएगा तो इंग्लिश में आप ऐसे कह सकते हैं, आई बाउट, मैं खरीदा या मैंने खरीदा, आई बाउट ए ब्रोकन चेयर। देखिए आई बाउट, फिर समझिए यहां से, ये सेंटेंस आपका कौन है, सब्जेक्ट प्लस टू वाला है ना, सब्जेक्ट प्लस V2 से, पास्ट का है, सब्जेक्ट प्लस V2 से। लेकिन टेंस में कभी आप ऐसा पढ़े कि सब्जेक्ट प्लस V2 भी रहे और उसमें V3 ला दे, तो आपको ये टेंस में नहीं मिलेगा, आपको उसके लिए कहां आना होगा, पास्ट पार्टिसिपल में आना होगा। फिर से देखिए, आई बाउट मैंने खरीदा, क्या खरीदा, एक ब्रोकन चेयर, तो ब्रोकन चेयर जो हमारा एक है, टूटी हुई कुर्सी, ये मेरा V3 रूप में आया या नहीं, ब्रोकन है ना, चेयर के लिए ए हम लोग लगा दिए है ना, तो ये हमारा ब्रोकन जो है ये V3 है या नहीं है, है ना, तो ब्रोकन जो हमारा आया है V3, और यही क्या बनकर के आया है, पास्ट पार्टिसिपल। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, दूसरा एग्जाम्पल भी हम लोग लेते हैं, क्या कहते हैं, है ना, सी साव, क्या चीज किया, देखी, सी साव ए डाइड, एनिमल, क्या थी एनिमल, आप चाहे तो कुछ नाम भी दे सकते है ना, हम एनिमल दे दी, जानवर दे दी, सी साव उसने देखी, क्या देखी, एक डाइड एनिमल, है ना, किसको, एक डाइड, तो जो यहां पे जो डाइड आया है ये देखिए V3 बनकर आया है ना, यहां पर जो ब्रोकन आया है ये भी देखिए क्या बनकर आया है, V3 बनकर के, तो यहां भी V3, तो ये पास्ट पार्टिसिपल, और यहां भी V3, तो ये पास्ट पार्टिसिपल। अब इस तरह से और भी आप कई एग्जांपल ले सकते हैं, सब वो एग्जांपल बना सकते हैं, जैसे ये आप कह सकते हैं कि मैंने मुरझाया हुआ फूल को देखा, है ना, मैंने जली हुई लकड़ी को देखा, है ना, और इस टाइप से आप बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा क्या चीज, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल V4 लेकर के आता है और एक पास्ट पार्टिसिपल V3 लेकर के आता है। एक आपको डिटेल पढ़ना होगा थोड़ा सा, किसके बारे में, परफेक्ट पार्टिसिपल के बारे में, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं तीन नंबर में, किसको लेकर के, परफेक्ट पार्टिसिपल को। तो हम लोग अभी तुरंत तीन नंबर को लिख देते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल को, और उसमें थोड़ा सा आपको डिटेल जाना होगा, है ना, इतना शॉर्ट नहीं है जितना आप दो पॉइंट को शॉर्ट में खत्म किए, उसमें थोड़ा सा और भी समझना होगा, नहीं समझिएगा हिंदी तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा आगे। आइए हम लोग देखते हैं किसको, परफेक्ट पार्टिसिपल को, परफेक्ट पार्टिसिपल को, परफेक्ट पार्टिसिपल है क्या। आइए इस प्रकार क्या करते हैं, तीन नंबर दे देते हैं, है ना, किसको, परफेक्ट, परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, और परफेक्ट पार्टिसिपल क्या चीज लेकर के आता है, हैविंग प्लस V3, इसी को लेकर क्या आता है। तो इसको समझने से पहले पहले हम कुछ हिंदी को समझ लें, जैसे देखिए आपका हिंदी भी क्लियर हो जाएगा और उसका ट्रांसलेशन भी क्लियर हो जाएगा। देखिए आप एग्जांपल जब यहां से आप लिखिएगा इस प्रकार से, है ना,
एग्जाम्पल जो आप लिखिएगा क्या चीज, मैं इस प्रकार से मैं मैच जीतकर आ रहा था, एक सेंटेंस इसको बनाना होगा, ट्रांसलेशन करेंगे आपको ऑटोमेटिकली पकड़ में आ जाएगा हैविंग प्लस बी थ्री क्या है। दूसरा नंबर में देखिए क्या कह रहा है, वे लोग एक पत्र लिखकर, क्या चीज कर रहे थे, वे लोग एक पत्र लिखकर आराम कर रहे थे, आराम कर रहे थे। तीसरा नंबर में इसको बनाना है, फिर आते हैं सीता, है ना, सीता खाना खाकर, सीता खाना खाकर पढ़ रही थी, क्या कर रही थी, पढ़ रही थी, है ना। आगे देखिए, सॉरी चार नंबर नहीं होगा, चार नंबर क्या कर रहे थे, हम लोग, है ना, हम लोग मैच खेलकर क्या कर रहे थे, हाँ इसे थोड़ा अलग होगा, हाँ हम लोग मैच खेलकर, हम लोग मैच खेलकर आ रहे हैं, आ रहे हैं। ऐसे लगेगा आपको कि सब पास्ट टेंस का है, कुछ भी सेंटेंस आप बना सकते हैं एनीथिंग। देखिए इसको बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले यहां समझिए, हैविंग प्लस बी थ्री, हैविंग प्लस बी थ्री। तो यदि आपके सेंटेंस में कोई हिंदी का सेंटेंस क्रिया के साथ साथ कर मिल जाए, एक क्रिया लिखा हुआ रहे और उसके साथ क्या मिल जाए, कर, तो आपको जब भी ट्रांसलेशन के लिए स्टार्ट करना होगा तो कहां से करना होगा, हैविंग प्लस बी थ्री से। देखिए तो क्रिया मीन्स क्या, वर्ब के साथ, देखिए सभी सेंटेंस को आप देखिए, वर्ब के साथ कर आया है, कोरो कर, देखिए एक वर्ब है ना, जीत, जीतना, कर आया है, लिख मतलब लिखना, लिख के साथ कर आया है, खाकर खाना, कर आया है ना, खेल खेलना, कर आया है। देखिए ध्यान से, तो कुछ ऐसे सेंटेंसेस आपके सामने है जिसमें कर कर क्रिया के साथ बनकर के आया है। तो आपको इस क्लास के अलावे भी कहीं यदि आपको ट्रांसलेशन मिल जाए कि मैं खाना खाकर खाकर आ रहा हूं, तो आपको इसी तरीके से बनाना होगा, हैविंग प्लस बी थ्री से। तो आपको पहले क्या लिखना होगा, हैविंग लिखना होगा, बी थ्री लिखना होगा, और जो शेष भाग बच रहा है आप टेंस के मुताबिक उसको ढाल दीजिए। देखिए क्या क्या बच रहा है, सबसे पहले तो आपको क्या लगाना है, हैविंग लगाना है और बी थ्री लगाना है, और इसी के साथ ये ऑब्जेक्ट देखिए सर करके आया है, और इसके साथ ये ऑब्जेक्ट सर करके आया है, और इसके साथ ये ऑब्जेक्ट आया है, और इसके साथ भी ये ऑब्जेक्ट आया है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, पहले हैविंग भी लिखेंगे स्ट्रक्चर के मुताबिक और बी थ्री भी लिखेंगे। तो इसको जब ट्रांसलेट कीजिएगा तो आपको क्या बनाना होगा, हैविंग। अब देखिए बी थ्री जो बनाइएगा, बी थ्री किसका बनना चाहिए, जिस वर्ब के साथ कर लगा हुआ है ना, जिस वर्ब के साथ कर लगा हुआ है उसी का बी थ्री बनाना है। तो कर तो जीतना के साथ लगा हुआ है, तो जीतना का विन होता है, विन वोन वोन, बी थ्री भी वोन होगा, तो दे देंगे हैविंग वोन। ये ऑब्जेक्ट बनकर के यहां मिल रहा है इसके साथ में, तो हम यहीं पर तुरंत दे देंगे मैं, यदि कुछ नहीं रहता तो हम मैं आ रहा था इसका बनाते, लेकिन इसको देने के बाद यहां इसके लिए ये ऑब्जेक्ट आया है तुरंत, तो हम क्या दे देंगे, हैविंग वोन द मैच, द मैच। आपका यहां तक ये क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब शेष देखिए क्या बच रहा है, जो शेष बच रहा है टेंस पर ढाल करके इसको बना दीजिए, क्या बच रहा है पढ़िए एक बार, जो घेरा किया उसको छोड़ करके, मैं आ रहा था, तो मैं आ रहा था ये आपका पास्ट का कंटिन्यूअस का है, मैं आ रहा था, तो क्या दे देंगे, आई वाज कमिंग, तो आपको यहां तुरंत लिख देना है आई वाज कमिंग, क्या कर देंगे,
आई वॉज कमिंग, मैं आ रहा था, जो भी सेंटेंस रहे हमको अंत में टेंस के मुताबिक पर ढाल करके बना देना है। दूसरा नंबर देखिए, एक पत्र लिखकर, तो एक पत्र लिखकर जब आप बनाइएगा तो हैविंग प्लस भी3 लिखना का बनाना होगा भी3, तो पहले आपको हैविंग देना होगा, क्या देना होगा हैविंग, और लिखना का ना भी3 होगा, क्योंकि कर तो इसी के साथ सटा हुआ है, भी3 उसको बनाएंगे। हालांकि आराम करना भी देखिए वर्ब है, तो हम इस वर्ब को भी3 नहीं बनाएंगे, हम उस वर्ब को बनाएंगे जिस वर्ब के साथ कर लगा हुआ। तो कर किसके साथ है, लिखना के साथ, तो राइट होता है लिखना का, भी3 रिटेन होगा, तो जगह हैविंग रिटेन, क्या हो जाएगा हैविंग रिटेन, और एक लेटर आपको यही दे देना होगा, हैविंग रिटेन ए लेटर। देखिए आगे क्या कहता है, हैविंग रिटेन ए लेटर, जिसको हम राउंड किए हैं आपका ये इतना तक मैटर खत्म हो गया। अब जो शेष बचा है उसको टेंस प्रमाण के बना दीजिए, वे लोग आराम कर रहे थे, पास्ट का कंटिन्यूअस है ना, सब्जेक्ट प्लस बाद वेयर, तो आपको क्या दे देना होगा, दे वेयर टेकिंग रेस्ट। आगे देखिए, ये भी ऑब्जेक्ट इसी के साथ आएगा, तो क्या हो जाएगा, पहले हैविंग आपको देना होगा, क्या देना होगा हैविंग देना होगा, ठीक है, तो हैविंग दिए और कर वाले को पहले निकाल दिए जिसमें कर लगा होगा, तो खाकर खाना मतलब ईट, तो भी3 ईटेन हो जाएगा, तो हो जाएगा हैविंग ईटेन, और फूड भी तो यही देना होगा क्योंकि इसी के साथ ही ऑब्जेक्ट बन के उधर चला जाएगा, तो ये खाना का फूड हो जाएगा। देखिए क्या होगा, हैविंग ईटेन फूड, ये आपका यहां से यहां तक का वर्ड खत्म हो गया, शेष क्या बचा है, सीता पढ़ रही थी, ये भी आपका पास्ट कंटिन्यूअस का है, सीता पढ़ रही थी, तो क्या हो जाएगा, सीता पढ़ रही थी, तो हो जाएगा सीता वाज रीडिंग, है ना, सीता वाज रीडिंग, आपको यही दे देना है। आगे देखिए, हम लोग मैच खेलकर आ रहे थे, तो यहां भी देखिए ऑब्जेक्ट है, तो इसी के साथ हो जाएगा, पहले हम लोग हैविंग दे देंगे, क्या दे देते हैं हैविंग, है ना, हैविंग देने के बाद आपको खेलना में कर लगा हुआ है, तो भी3 तो इसी को बनाना होगा, प्लेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा हैविंग प्लेड द मैच, आपको ऑब्जेक्ट बना देना यहीं पे इसका द मैच। देखिए शेष भाग क्या बच रहा है, हम लोग आ रहे हैं, तो हो जाएगा वी आर कमिंग, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है, वी आर कमिंग, तो हम लोग इसको क्या बना देंगे, वी आर कमिंग, हम लोग क्या कर रहे हैं आ रहे हैं। कुछ ऐसे भी आपको सेंटेंस मिल सकते हैं जिसमें शायद आपको ऑब्जेक्ट नहीं भी मिल सकता है ना, तो आपको डायरेक्ट हैविंग प्लस भी3 बनाना है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल एक हम ले लेते हैं 5 नंबर का, देखिए एग्जाम्पल 5 नंबर में क्या कह रहा है, बेलो बोलकर, है ना, या मिटाते हैं इसी को, हम लोग एग्जाम्पल यहीं पर ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल बिना ऑब्जेक्ट से ले लेते हैं, है ना, तो आपको यह भी पकड़ में आ जाएगा कि बिना ऑब्जेक्ट वाला हमको कैसे बनाना है। देखिए एक दो एग्जाम्पल बिना ऑब्जेक्ट से ले लेते हैं, 4 बनाए ना, अब देखिए एग्जाम्पल नंबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना। देखिए वे लोग पढ़कर क्या कर रहे थे, हाँ वे लोग पढ़कर बोल रहे थे, वे लोग हंसकर, वे लोग हंसकर लिख रहे हैं, है ना, वे लोग हंसकर क्या कर रहे हैं, लिख भी रहे हैं साथ ही साथ क्या कर रहे हैं, हंस रहे हैं। देखिए हंसकर, आइए तो इसको भी बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, हैविंग प्लस भी3 लेना होगा, अब भी3 किसको बनाना होगा, जिस क्रिया के साथ कर लगा हुआ है, तो क्या दे देंगे, आइए देखिए इसको बनाते हैं, ऑब्जेक्ट इसमें है हंसना के पहले पहले नहीं है ना, तो हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं देंगे, तो हो जाएगा हैविंग और भी3, तो हंसना का होता है लाफ, तो भी3 हो जाएगा लाफ्ड, तो आप क्या बना दीजिएगा, हैविंग लाफ्ड, क्या बना दीजिएगा हैविंग लाफ्ड, हंसकर की काम खत्म,
शेष जो बचा है उसको आप टेंस पर ढाल दीजिए। यदि इसके पहले कुछ ऑब्जेक्ट होता यहाँ पे तो हम लोग ऑब्जेक्ट यहाँ पे देते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट तो कुछ है नहीं, इसलिए हमको ऑब्जेक्ट देने की कोई जरूरत नहीं। आप अपने मन से भी नहीं लगा सकते है ना। वे लोग लिख रहे हैं तो टेंस पर ढाल दीजिए, वे लोग लिख रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो क्या हो जाएगा, दे आर राइटिंग, क्या हो जाएगा यहाँ पे, दे आर राइटिंग, क्या हो जाएगा, दे आर राइटिंग। इसी प्रकार आप बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं, ठीक है। 10-20 सेंटेंस आप अपने मन से भी इस प्रकार बनाइएगा, यदि प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स कीजिएगा किस टाइप का प्रॉब्लम है, उसको डील किया जाएगा। आइए देखिए हम लोग वीडियो पार्ट टू में क्या सीखे है ना। वीडियो पार्ट टू में क्लास अब यही सॉल्व कर देते हैं। देखिए वीडियो पार्ट टू में जो हम लोग सीखे आज वो क्या चीज सीखे हैं, फिर से हम लोग आते हैं। वीडियो पार्ट टू में आज नन फिनाइट के बारे में, एक तो हम लोग किसके बारे में सीखे हैं, सबसे पहले इन्फिनिटिव के बारे में, दूसरा नंबर जेरंड के बारे में, तीसरा नंबर हम लोग किसके बारे में सीखे हैं, हाँ पार्टिसिपल के बारे में, तीन, और इस तीन में भी पार्टिसिपल में तीन सीखे हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो आज समझिए तीन पॉइंट इधर से और तीन पॉइंट इधर से, आज का क्लास यही 6 पॉइंट का क्लास था। और इससे पहले पहले पार्ट वन में वीडियो में क्लाउज की बात बताए थे, फिनाइट वर्ब के बारे में, नॉन फिनाइट वर्ब के बारे में, तो आप उसको भी देखिएगा, अच्छा है ना, ठीक तरीके से उसको समझना है, फिर ये वीडियो पार्ट टू। अब देखिए वीडियो पार्ट थ्री में जो हम लोग आएंगे तो हम लोग अब कहां आ जाएंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जब आएंगे ना तो कहां आएंगे, टाइप ऑफ क्लाउज में। अभी तक आप लोग एक ही क्लाउज पर है, लेकिन अब आपको ये सीखना है कि क्लाउज कितने प्रकार के होते हैं। तो ये तो खैर नेक्स्ट की बात है, तो हम लोग नेक्स्ट करेंगे और यहीं तक रहने देते हैं। थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।